राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राधा कृष्ण दो अनंत से अनंत तक के प्रेमी थे, जिन्हें संसार के हित के लिए अलग होना पड़ा, जो संसार को जीवन का और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए आजीवन विरह सह लेते हैं, और इस विरह ने ही उन्हें राधा कृष्ण बनाया। एक जन्म के विरह ने उन्हें सदा सदा के लिए एक कर दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा था वो क्षण जब वास्तव में श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, जब वो राधा जी को छोड़कर चले गए थे, तब क्या हुआ, कृष्ण जी के पीछे से राधा रानी और गोपियों का कैसा जीवन रहा था, क्या थी उनकी वास्तविक दशा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे तो आखिरी बार मैया उनको अच्छे से स्नान करवाती है, उन्हें काजल लगाती है, पर श्री कृष्ण लगातार रो रहे हैं तो काजल उनकी आंखों से बहता जा रहा है। मैया श्री कृष्ण को बहुत मना कर रही हैं कि वो ना रोएं। दूसरी तरफ ब्रज की गोपियां बाहर आकर नंद भवन के बाहर लेट गई हैं। वो बोली कि कान्हा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर पहले तलवार उठाकर हम सबको मार दो, ताकि हमारे जीते जी हम तुम्हें जाते हुए ना दिख सके। हमारे जीते जी हम तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। भगवान सबको ये कहकर समझा रहे हैं कि वो एक दो दिन में वापस लौट आएंगे। नंद बाबा एक कोने में खड़े खड़े रो रहे हैं। भगवान बाबा के पास जाने की कोशिश करते हैं तो बाबा बोले, लाला मेरे पास मत आना, मैं तुझे वरना जाने नहीं दूंगा। भगवान बोले, बाबा क्या आप अपने लाल को जाते जाते एक आखिरी बार गले भी नहीं लगाओगे। बाबा फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि कन्हैया काहे सता रहे हो बूढ़े माँ बाप को, ज्यादा मत सताओ, हमें प्राण निकल जाएंगे हमारे। भगवान दौड़ कर बाबा की छाती से लग गए। बाबा बोले, कन्हैया जब जानो ही था तो तू यहाँ पर आया ही क्यों। भगवान बोले, बाबा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही रुककर परसों आ जाऊंगा। भगवान गौशाला में गए तो गौ माता की पूजा की। जैसे ही भगवान ने गौ माता को स्पर्श किया, उनके थनों से दूध की धारा बहने लगी। गौ माता आंखों से आंसू टपका रही थी और जोर जोर से कृष्ण 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 की ध्वनि में चिल्लाए जा रही थी। अब अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु जाने का समय हो गया। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर वृंदावन से जा रहे थे तो सारी गोपियों ने कृष्ण के रथ को घेर लिया और बिना सोए वो रात भर श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठी रही। वो लोग नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनसे दूर कहीं भी जाएं, किंतु अपने कर्म के पथ पर श्री कृष्ण को आगे बढ़ना ही था, इसलिए कृष्ण गोपियों के आंसुओं के बीच राधा रानी से एक अंतिम बार मिलने के लिए गए। बताया जाता है कि राधा और कृष्ण कुछ ही पलों के लिए एक दूसरे से अंतिम बार मिल पाए, और उन कुछ पलों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उनमें आत्मा का संबंध था। उन्हें अपनी प्रेम की भावनाओं को एक दूसरे को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक विरहिणी तितली वहीं पर आसपास घूम रही थी, जो वृंदावन में ही रहती थी और श्री कृष्ण के रथ के साथ साथ उड़ रही थी। अनेक रसिक संतों ने इस तितली के माध्यम से ब्रजवासियों की स्थिति का वर्णन किया है, क्योंकि उस समय एक भी ऐसा ब्रजवासी नहीं था जो अपनी हालत का खुद वर्णन कर सके। उस तितली ने जाकर श्रीमती राधा रानी की असली हालत देखी। वो जमीन पर लेटी हुई थी वन में, उनकी आंखें पथराई हुई थी, लगातार उनसे आंसू बह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में प्राण ही नहीं है। तब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और खड़े के खड़े रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो राधा रानी का मौन कैसे तोड़े, कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर राधा रानी की पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाए। राधा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़कर बस इतना ही कहा कि कृष्ण उनके अंदर ही है और कोई भी परिस्थिति उन्हें उनसे अलग नहीं कर सकती, और कृष्ण जैसे तैसे गोपियों को ढांढस बंधाकर वहां से चले जाते हैं। वर्षों बीत जाते हैं। कृष्ण ने कंस का, शिशुपाल का और कई असुर का वध कर दिया है। अब वो द्वारकाधीश थे, जबकि दूसरी ओर वृंदावन में राधा का जीवन एक अलग ही मोड़ ले चुका था। उनका मन हर क्षण केवल श्री कृष्ण का नाम लेता था। उनके जीवन में कोई और व्यक्ति या कर्तव्य की प्रथम जगह ही नहीं थी, जिस कारण आए दिन राधा रानी की सास व ननंद जटिला और कुटिला उनके व अयन के बीच लड़ाई करवाने व अयन को राधा रानी जी के खिलाफ भड़काने और राधा जी को घर से निकलवा देने के लिए प्रेरित करती रहती थी, ऐसा हमें अनेक लोक कथाओं में सुनने को मिल जाता है। राधा का एक ही सबसे बड़ा और प्रिय काम था उस समय कि वह अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पानी भरे और साथ मिलकर श्री कृष्ण की स्मृतियों में खो जाए, क्योंकि उन गोपियों की हालत भी राधा रानी जैसी ही थी। तो वो सब मिलकर कभी श्री कृष्ण की शरारतों को याद करते तो कभी हंसते कि कैसे वो उन्हें सताया करते थे, तो कभी ये मिलकर श्री कृष्ण के विरह में फूट फूट कर रोया भी करते थे। वो सभी इकट्ठे होकर
वन में कृष्ण की नकल भी उतारती थी, जिनमें एक गोपी श्री कृष्ण बनती थी। वह कृष्ण की तरह चलकर और गाय चराकर, बोलकर, हंसकर और बाकी गोपियों को सताकर दिखाती थी। कृष्ण की स्मृतियां ही थी जो गोपियों के जीवन का एकमात्र साधन बची थी। कई बार तो गोपियों को ये भ्रम भी होता था कि कृष्ण वृंदावन वापस आ गए हैं। जब उनका ये भ्रम टूटता तो सभी गोपियां दुख के सागर में डूब जाती। हालांकि द्वारका में कृष्ण भी गोपियों की इस हालत से अनजान नहीं थे। इसी हालत को देखकर वो काफी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उद्धव के हाथों राधा व गोपियों के लिए संदेश भी भिजवाया था, जो कि इतिहास का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। उद्धव जो कि श्री कृष्ण के दूर के भाई और काफी तेजस्वी व्यक्ति थे, किंतु गोकुल के लोगों पर उद्धव का यह तेज और ज्ञान काम नहीं आया। उन्हें तो केवल कृष्ण चाहिए थे। जब कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास उद्धव आते हैं तो गोपियों की खुशियों का जैसे ठिकाना ना रहा हो। वो ना जाने उद्धव से क्या क्या पूछ लेना चाहती थी कि कृष्ण क्या आज भी पहले जैसे दिखते हैं, क्या उन्हें वो याद करते हैं, पर लज्जा के कारण वो पूछ नहीं पाई। राधा जी ने तो उद्धव के आगमन पर कृष्ण के प्रति अपना सारा मीठा क्रोध उद्धव पर ही निकाल दिया और उस समय उन्होंने दिया भ्रमर गीता का ज्ञान। वो एक भंवरे से बातें करने का अभिनय करते हुए उद्धव व कृष्ण को अनेकों उल्हाने देती है। वो कृष्ण की तुलना उस भंवरे से करती है जो फूल जैसी गोपियों का रस पीकर हमेशा के लिए उड़ जाता है। हालांकि राधा रानी जानती थी कि उनके खाना ऐसे नहीं है, पर यह भी तो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को दर्शाने का एक तरीका था, विरह का भाव था। शांत होने पर वो कृष्ण की फिर से तारीफ करने लगती हैं कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपना संदेश वाहक भेजा। सारी गोपियां उद्धव से बहुत सारी बातें पूछती हैं, जैसे कि कृष्ण का महल कैसा है, उनकी रानियां कैसी हैं और वो रानियां श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करती है। उन गोपियों की तरह क्या वो कृष्ण को माखन खिलाती हैं, क्या उनके वापस आने की कोई उम्मीद है, क्या उनके श्री चरण कभी वृंदावन में वापस पड़ेंगे। उद्धव ने उन्हें बताया कि कृष्ण आप सबके लिए संदेश भेज रहे हैं कि मेरी प्यारी गोपियों, हमारे बीच विरह हो ही नहीं सकता क्योंकि हम एक ही हैं और मैं हर जगह विद्यमान हूँ। अनेक जगहों पर हमें राधा रानी के बाद की जीवन से जुड़े अजीब से उल्लेख देखने को मिल जाते हैं। इनमें कुछ काफी हैरत अंगेज भी हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण के चले जाने के बाद राधा रानी अपने पति अयन के साथ एक नए स्थान पर जाकर नया जीवन शुरू करती हैं। अयन व राधा यहाँ अकेले रहते थे, जटिला व कुटिला से दूर। अयन ने राधा के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनके हृदय की भावनाओं को भी समझा और एक नए सिरे से राधा के साथ अपनी गृहस्थी शुरू की। उनके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में कभी बाधा उत्पन्न नहीं की और हमेशा उनका सम्मान किया, उनकी सेवा की। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधा।